गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, अप्लाइड मैकेनिक्स की हमारी क्लास चल रही थी और आपको पता ही होगा संदीप कुंडू मेरा नाम है। जिन बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक फिजिकली इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स की है और संदीप कुंडू मेरा नाम है। आज जो हमारे असाइनमेंट सेकेंड असाइनमेंट थी, सारा जो सिलेबस है आपका थर्ड चैप्टर का, उसकी ये लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो टॉपिक आपके बचते हैं। इससे पहले जितने भी इस असाइनमेंट सेकेंड के जो थे वो हम करा चुके हैं, आज सिर्फ आपके दो टॉपिक्स बचती हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम इस क्लास में कराएंगे और एक टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो ये दो क्लासेस लास्ट क्लास है इसकी, इसके बाद ये सेकंड असेसमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो अप्लाइड मैकेनिक्स की प्रीवियस वीडियो देख लें और कर लें उसको। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फर्स्ट असेसमेंट के लिए दिए थे, और काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको फर्स्ट असेसमेंट में देखने के लिए मिले थे। इसी तरह से सेकंड असेसमेंट के लिए भी हम एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तैयार करेंगे, लेकिन वो दो वीडियो के बाद आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। कॉमन स्टील यार्ड तो बच्चों, कॉमन स्टील यार्ड होता क्या है? इट इज ए वेइंग मशीन बेस्ड ऑन सिंपल लेबर। ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो, किसी चीज को रटना नहीं है आपको, आपको चीजों को समझना है। जब हमने यहां पे बात की फर्स्ट ऑर्डर की, किसकी बात की हमने, फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो चीजें होती हैं, एक वेट आर्म होती है, एक पावर आर्म होती है। और फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही है तो कुछ इस तरह का आपका अरेंजमेंट बन रहा होगा कि यहां पे वेट आर्म पावर आर्म की दोनों ही आपकी एक तरफ लग रही होगी। तो ये चीज यहां से आपको क्लियर हुई कि भाई जो वेइंग मशीन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, और कॉमन स्टील यार्ड जिसको बोलते हैं वो वेइंग मशीन होती है और फर्स्ट ऑर्डर की होती है। अब वेइंग मशीन में हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात बताई, लीवर की बात बताई, तो वही चीज होता है कि लीवर क्या होता है। तो इट कंसिस्टेड स्टील रॉड of length L, length AB is a steel rod। ठीक है, AB हमारे पास क्या है, स्टील रॉड। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, लीवर है। तो ये क्या होगा, विच इज रोटेट अबाउट फिक्स पॉइंट, विच इज रोटेट अबाउट फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, छोड़ो, आपको ये मैंने जब सिंपल लीवर का वीडियो कराया था उसमें ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पेस को हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, और फुल क्रोम को क्या रखेंगे, इट कीप्ड नियर टू 1 mm। ठीक है, फुल क्रोम को हम नियर टू 1 mm रखेंगे,
अब देखो इसके नियर एंड रख लेंगे तो इसमें टू साइड बनेगी, एक शॉर्टर साइड और एक लॉन्गर साइड। तो जो शॉर्टर साइड होगी इज गिफ्ट हैवियर देन लॉन्गर साइड, देन लॉन्गर साइड। क्लियर है? अब इसका हम थोड़ा डायग्राम देखते हैं कि भाई ये बनेगा किस तरह से, उसके सामने अब आप इसका डायग्राम समझिए। ये क्या है? लीवर है और दो साइड इसमें बन रही है, ये कुछ इस तरह से आपका होता है। तो ये यहां पे सपोर्टर लगा होता है जिस जो इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये शॉर्ट साइड है और ये लॉन्गर साइड है, इस चीज को बोलते हैं ग्रेजुएट वाला, ठीक है। और ग्रेजुएट आर्म के हम वेट लगाते हैं, ग्रेजुएट आर्म पे क्या लगाती है? वेट हैंग करती है। ये आपका वेट यहां पे हैंग हुआ, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। क्लियर है? तो ए बी एक रॉड हो गई, ये वो वेट होता है कौन से वाला वेट जो हमें मेजर करना है, और ये क्या है? सेकंड पिस्टन ऑफ राइट, ये इस तरह से मूव करेगा, जितना इसके दूर जाएगा उतना ही ज्यादा वेट होगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही इसका मूवमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ये होता है, ये सेकंड पिस्टन ऑफ राइट होता है, और ये वाला जो होता है ये जो राइडर यहां पे रहेगा इस चीज को बोल जाता है WF, ओके। ये होता है पिस्टन एट जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन पे है, यहां पे जब होगा तो रीडिंग क्या रहेगी? जीरो आएगी। तो ये जीरो पे है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट को बोला जाता है जी, ओके। ये फुलक्रम है एफ, ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसका अपना एक खुद का वेट होगा जिसको हम बोलेंगे W1। ये वेट हो गया जिसको हमें वो करना है, ये पिस्टन का ये राइडर है जो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये स्केल है, ग्रेजुएट आर्म या स्केल, इस पे इस तरह की रीडिंग होंगी। इस तरह से इस पे रीडिंग बनी होंगी। क्लियर है? और जितनी रीडिंग पे ये रहेगा वो हमें इसकी वैल्यू देगा, ओके। W1 क्या है आपका? लेफ्ट। W1 क्या है? वेट ऑफ रॉड AB, वेट ऑफ रॉड AB अलोंग विद क्या? पेन अटैच टू ग्रेजुएट आर्म, ओके। सेकंड है आपका मान लीजिए ये जो वेट है, ये वाला जो वेट है ये जीरो हो, ये क्या हो? जीरो हो। तो जो आपका ये राइडर रहेगा ये कहां पे रहेगा? जीरो पोजीशन पे रहेगा,
जो आपका राइटर रहेगा वो कहां पे रहेगा, जीरो पोजीशन पे रहेगा। जब ये राइटर जीरो पोजीशन पे रहेगा, व्हेन देयर इज नो वेट इन द पेन, व्हेन देयर इज नो वेट इन द पेन, तो उसकी क्या रहेगी, द पोजीशन और राइडर। जो ये राइडर होता है इस चीज को मूवेबल वेट भी बोला जाता है। ओके, इस चीज को मूवेबल वेट भी बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है एट जीरो पॉइंट पोजिशन या जीरो पॉइंट। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट एफ मीन्स फुलक्रम के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट क्या फुलक्रम, मूवमेंट अबाउट फुलक्रम। तो देखो ये तो जीरो हो गया, एक आप क्या वेट बचा, ग्रेविटी वेट बचा और एक उसका डब्ल्यू एफ बचा, आपके पास दो चीजें बची। इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते, तो मूवमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालोगे मूवमेंट, देखो इसके बाद मूवमेंट निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा, डब्ल्यू वन इंटू एफ जी बराबर किसके रहेगा, पी इंटू एफ पी, पी इंटू एफ पी। तो यहां से पी एफ की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, डब्ल्यू वन इंटू एफ जी बटे पी, ये इसकी डिस्टेंस आएगी आपके पास कि ये कितना दूर यहां से अब ये जो पी एफ है ये क्या देगा, इट गिव्स जीरो पोजीशन ऑन द ग्रेविटर, मीन जितनी ये दूरी है वो वैल्यू क्या देगी आपको कि जीरो पॉइंट कहां पे है ग्रेजुएटर, जीरो पोजीशन एट ग्रेजुएट। अब हम मान लीजिए कोई भी वेट पुट कर देती है, कोई भी जो भी आपका मन करे, लेट अस सपोज नाउ लेट अस सपोज लेट अस पुट ए वेट ऑफ 25 kg, 25 kg या यूनिट इन द, इसमें हमने 25 kg वेट रख दिया, ठीक है, और ये हमारी जो है ये जो मूव करके चली जाती है WF से WR पे, देन राइडर मूव कहां तक, एच तक मूव फ्रॉम पी टू एच, पी टू एच हमारा मूव कर गया। अब हम निकालेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट एफ, वही फुलक्रम के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे। तो देखो अब यहां पे इसके इस साइड में किसने वो वेट लग रही है, दो वेट लग रही है, कितने वेट लग रही है, दो वेट लग रही है आपके, तो एक तो डब्ल्यू कितनी दूरी पे लग रहा है, ए एफ, ये कितनी पे लग रहा है, एफ ए या ए एफ, दूसरा डब्ल्यू वन आपका जो लग रहा है वो कितनी दूरी पे लग रहा है, एफ जी, और जो इसके इक्विवेलेंट वेट लग रहा है वो क्या लग रहा है, डब्ल्यू आर राइडर का वेट कितनी दूरी पे लग रहा है, एफ एच, एफ एच, एफ एच, क्लियर है। अगर यहां से एफ एच की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, एफ एच बराबर क्या जाएगा,
डब्ल्यू इंटू एफ ए प्लस डब्ल्यू वन इंटू एफ जी बटे डब्ल्यू आर। क्लियर। अब जो ये डब्ल्यू आर आया आपका उस वो हमने वैल्यू कितनी ली थी 25 यूनिट्स ली थी, तो इस डिस्टेंस को डिवाइड कितने में कर देंगे, डिवाइड इन 25 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। तो जो ये पीएच रेंज है, पीएच रेंज डिनोट 25 मिनट वैल्यू ऑफ वेट, तो आप एक ही ये जो है आपकी पीएच ये वाली 25 की है, तो इसको अगर हम 25 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू क्या देगी हमें, एक यूनिट की वैल्यू, और उसी के बिहाफ पे हम क्या बना देंगे, फुल स्केल बना देंगे। आपने अगर ये आपने मंडी वगैरह में देखा हो या आप वेट मशीन देखते हो मैनुअली, तो वो चीज होती है वो इसी पे बेस्ड होती है और इसी तरह से ये वर्किंग करती है। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको ये पता लग गया, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, कि ये जो रिजल्ट है ये 25 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट का बनना होने के लिए मैं इसको 25 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूं, ले तो वन पार्ट्स की वैल्यू क्या देगी, वन यूनिट, और वन यूनिट से हम उसी को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये था आपका कॉमन स्टील यार्ड। इसके अलावा सिर्फ आपका जो रहता है वो रहता है लीवर सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी उसमें हम लीवर सेफ्टी वॉल करेंगे, और ये लास्ट क्लास होगी किसकी, सेकंड असेसमेंट। इसके बाद सिर्फ हमारी एक क्लास और आएगी, वो रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सभी बच्चे यहां तक अपनी नोटबुक तैयार करें, यहां तक जितना भी मैंने अभी तक कराया वो सभी अपनी नोटबुक में चेक करें, नोट कर लें, और नेक्स्ट क्लास में आपकी में वो सब चेक होगा। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जब भी आपकी फिजिकल क्लास होगी तो उस तक आपको ये सभी जितनी भी क्लासेज हमारी हुई हैं वो सभी आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ सिर्फ हमारी एक क्लास रहती है और जो लास्ट क्लास होगी इस सेकंड असेसमेंट के लिए। तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास लीवर सेफ्टी वॉल्व की होगी हमारी, वो इसका टॉपिक मैंने अभी बता दिया है, और जितनी भी क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं उन सभी को नोट कर लें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।